हम सबको पता है कि हमारे देश में काफी लिमिटेड एडिशन बाइक्स आते हैं जिन्हें ओन करना बेशक गर्व की बात है, पर ये वीडियो कुछ ऐसे बाइक्स में है जो पूरे देश में इकलौते ही हैं। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले क्या आपने बाइक देखो को सब्सक्राइब किया है? अरे तो फिर जल्दी कीजिए और बेल आइकॉन को भी जरूर दबाइए। और अब शुरू करते हैं। डुकाटी के पैनिगाले सीरीज बाइक्स सबसे शार्प और एक्साइटिंग ट्रैक राइडिंग स्पोर्ट बाइक्स में से एक है। लेकिन 2016 आइकमा शो में डुकाटी के एक यूनिक बाइक ने हमारे होश ही उड़ा दिए थे। पैनिगाले 1299 सुपर लेजेरा के करीब 218 पीएस पावर आउटपुट डुकाटी के ट्विन सिलेंडर पैनिगाले बाइक्स में से सबसे पावरफुल है और इसके कार्बन फाइबर फ्रेम, सब फ्रेम, स्विंग आर्म और अलॉयज के वजह से इसका कर्व वेट सिर्फ 167 केजी है, जो KTM RC390 के लगभग बराबर है। पैनिगाले 1299 सुपर लेजेरा के सिर्फ 500 यूनिट बने थे, जिनमें से सिर्फ एक ही इंडिया में आई थी और करीब 25 करोड़ रुपए की कीमत होने के बावजूद किसी ने इसे खरीद भी ली। क्या आपको उस शख्सियत का नाम मालूम है? बताइए कमेंट्स में। होंडा गोल्ड विंग पूरी दुनिया में अपने टूरिंग एबिलिटीज के लिए मशहूर है, जिससे बाइक देखो के व्यूअर्स भी वाकिफ होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि 1997 से 2005 तक होंडा गोल्ड विंग के इंजन के साथ एक क्रूजर बाइक प्रोडक्शन में था? होंडा वैल्काइरी F6C का 1832 सीसी 6 सिलेंडर इंजन करीब 117 पीएस और 168 एनएम टॉर्क बनाता था, जो तब के गोल्ड विंग के बराबर ही था। लेकिन क्योंकि ये गोल्ड विंग से करीब 30 केजी हल्का था, तो जाहिर है कि इसका परफॉर्मेंस भी उससे काफी बेहतर था। अब जितना हमें पता है, इंडिया की इकलौती होंडा वैल्काइरी F6C के ओनर है मूवी डायरेक्टर संजय गुप्ता, जिन्होंने शूटआउट एट वडाला जैसे मूवीज और मुंबई सागा जैसे वेब सीरीज बनाए हैं। और इन दोनों में एक्टर जॉन अब्राहम की तरह संजय गुप्ता भी बाइक्स के काफी शौकीन हैं। इस बाइक के बारे में कम ही लोगों ने सुना होगा और ये भी एक सेलिब्रिटी के पास ही है। 2014 में लॉन्च हुई कन्फिटेड X132 हेलकैट को पियर टर्ब्लांच ने डिजाइन किया था। जी हाँ, वही जिन्होंने डुकाटी 999, डुकाटी की ओरिजिनल मल्टीस्ट्राडा और इनफैक्ट रॉयल एनफील्ड हिमालयन भी डिजाइन किया है। क्रूजर बाइक जैसे दिखने के बावजूद हेलकैट एक्चुअली एक स्पोर्ट्स नेकेड के तौर पर डिजाइन किया गया है। अब 227 केजी का होते हुए ये बाकी नेकेड बाइक्स की तरह लाइटवेट नहीं, लेकिन इसके 190 एनएम टॉर्क का मतलब है इसमें एक्सेलरेशन की कोई कमी नहीं है। पूरी दुनिया में सिर्फ 65 ही हेलकैट हैं। इसकी कीमत अफवाहों के मुताबिक करीब 70 लाख रुपए है और इकलौता इंडियन हेलकैट हमारे कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी के पास है। अगर आपको पिछले बाइक का लगभग 2100 सीसी इंजन बड़ा लगा, तो इस बाइक का इंजन कैपेसिटी सुनके आपका दिमाग चक्कर खा जाएगा। जी हाँ, बॉस हॉस LS2 V8 का इंजन कैपेसिटी 5735 सीसी है, क्योंकि इसमें स्पोर्ट बाइक नहीं बल्कि स्पोर्ट्स कार का इंजन है। तो ये बाइक करीब 360 पीएस पावर और 550 एनएम टॉर्क बनाता है। राइड कंफर्ट का ध्यान रखते हुए इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है रिवर्स गियर के साथ और इसका 8 सिलेंडर इंजन एक्चुअली काफी स्मूथ है। बॉस हॉस LS2 V8 की कीमत जितनी हमें पता है लगभग 55 लाख रुपए है, पर इसके ओनर की जानकारी हमें नहीं है, तो अगर आपको पता हो कमेंट्स में बताना मत भूलिए। तो अब तक आपने बड़े कैपेसिटी इंजन, यहां तक कि स्पोर्ट्स कार के इंजन वाले बाइक भी देखे, तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है? वेल, इस अगले बाइक में हेलीकॉप्टर का इंजन है। 1999 में US की कंपनी मरीन टर्बाइन टेक्नोलॉजीज ने नए मिलेनियम को स्वागत करते हुए Y2K को एक यूनिक प्रोजेक्ट के तौर पे बनाया था, पर इसकी और पब्लिक का रेस्पॉन्स देखते हुए फैसला हुआ कुछ और बाइक्स बनाने का, जो वो आज तक करते हैं कस्टमर ऑर्डर्स के मुताबिक। हेलीकॉप्टर इंजन होने के वजह से इसका पीक पावर और टॉर्क 52,000 RPM पे आते हैं और टॉप स्पीड जानने की हिम्मत आज तक किसी में भी नहीं हुई है। US डॉलर से कन्वर्ट करके Y2K बाइक की कीमत 1999 में ही करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास थी और जितना हमें पता है, इंडिया में एक ही ऐसी बाइक है जिसे रेमंड ग्रुप के चेयरमैन गौतम सिंघानिया ओन करते हैं,
और हाँ, इस बाइक का स्टार्टअप साउंड कुछ ऐसा है। तो आपको हमारा ये नया वीडियो फॉर्मेट कैसा लगा और क्या आपके मन में कोई और ऐसी यूनिक बाइक्स हैं जिसे आप देखना चाहेंगे, बताइए कमेंट्स में। साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हर तरह के नए और इंटरेस्टिंग टू व्हीलर्स के बारे में हिंदी में जानने के लिए बाइक देखो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी जरूर दबाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, राइड सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।